हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है सिलेबस को लेके, तो आज मैं प्रॉपर वीडियो बना रही हूँ बीएड और डीएलएड को लेके। एमपी बोर्ड से आप जो बीएड और डीएलएड का एंट्रेंस देने वाले हैं, और एक बहुत ही सस्पेंशियल सी एक बात बताऊंगी जो कि बाद में आपको देखने को मिलेगी एग्ज़ाम में, जो कि पहले यूनिवर्सिटी में कहीं मेंशन नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, बीएड में 1000 सीट्स हैं, डीएलएड में 500 सीट्स हैं। बीएड की ओवरऑल फीस 30,000 रुपये है, 2 साल में आपकी बीएड कंप्लीट हो जाएगी, आपको 30,000 देना है। और डीएलएड का आपको 19,200 रुपये देना है, वन टाइम है, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, एक बार में आपको पेमेंट करनी होती है। यहाँ पर है 100 नंबर का पेपर है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें भी, कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा वो रहेगा ग्रेजुएशन बेस, और यहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो रहेगा 12th बेस पे। मैं जो आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा रही हूँ वो मिक्स है, आप उन वीडियोस को देख लीजिए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल का पेपर आपको देखने को मिलेगा। मैं स्पेसिफिकली बीएड और डीएलएड या स्पेशल बीएड की अलग से वीडियोस नहीं डाल रही हूँ, आप लोग देख सकते हो, मिक्स है। और मोस्टली क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, जो भी मुझे फीडबैक मिला है कैंडिडेट से, जो मैंने पहले प्रिपरेशन कराई है, तो फीडबैक अच्छा मिला है तो ही मैं आगे प्रिपरेशन करा रही हूँ, तो आप लोग वीडियोस को देख सकते हो। अब यहाँ पे जीके आपका टोटल 100 मार्क्स का है, आपका जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर कहीं मेंशन नहीं है कि ये 25-25 नंबर का है, बट हम इसको मान लेते हैं कि ये 25-25 नंबर का है आपका, क्योंकि चार पार्ट हैं, चार पार्ट में आप 100 को डिवाइड करोगे 25-25 नंबर का बैठता है। तो जीके रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल हिंदी, और सेम इसमें भी, बस फर्क इतना है ये ग्रेजुएशन लेवल का है और ये हमारा 12th लेवल का है। अब यहाँ पे एग्ज़ाम में आपको क्या देखने को मिलता है, एग्ज़ाम में आपको ये मिलती है, अब हमने तो ये मान लिया अपनी मर्जी से कि ये 25-25 नंबर का है, लेकिन ये 25-25 नंबर का होता नहीं है। जीके आपकी 30 नंबर की, रीजनिंग आपकी 30 नंबर की, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 30 नंबर का, और जनरल हिंदी सिर्फ और सिर्फ आपकी आती है 10 नंबर की। कितने नंबर की? 10 नंबर की। तो टोटल आपके 100 मार्क्स होंगे। सेम यही वाला पैटर्न इसमें है, 30 30 30 और 10 का, ठीक है, ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और, जब आपका जब मॉक टेस्ट आता है वेबसाइट पर, मॉक टेस्ट में क्या होता है, सिलेबस पूरा ही चेंज कर देते हैं, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है, मैम ये क्या है, कहाँ से पढ़े, कैसे करे, और मतलब अभी टाइम भी नहीं है। तो मॉक टेस्ट पे मत जाइए, उसमें पिछली बार भी बहुत ज़रा मैं खुद डर गई थी, मैंने कहा यार ये क्या दे दिया इन्होंने ऑन द स्पॉट, और अब 3-4 दिन बाद एग्ज़ाम है, कैंडिडेट को मैं कैसे करवाऊँगी सारी चीज़ें, तो वो सब नहीं है। सिंपली यही वाला सिलेबस है, यही पैटर्न है इसका, 30-30-30-10 का, और इसमें ही भी 30-30-30-10 का, तो आप इसी को बेस बनाकर अपनी तैयारी कीजिए। थैंक यू।